अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो साहब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो का टाइटल है इस्लामाबाद वीएस चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये दो ममालिक के दो सिटीज का कंपैरिजन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस्लामाबाद के बारे में। तो 220 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। एंड अगर नेचुरली देखा जाए तो इस्लामाबाद एक काफ़ी खूबसूरत और प्लान्ड सिटी है, जिसे 1960 के दशक में पाकिस्तान की नई राजधानी के तौर पे बसाया गया था। ये शहर 8 जोन्स में बटा हुआ है, जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स, एजुकेशनल एंड कॉमर्शियल एरियाज और यहाँ का रूरल और ग्रीन एरियाज शामिल हैं। वहीं अगर यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस्लामाबाद का रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर कई बड़े रोड इंटरचेंज मौजूद हैं जो कि इस सिटी के डेली ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस एक 24 किलोमीटर लंबी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि इस्लामाबाद को यहाँ के नज़दीकी शहर रावलपिंडी से जोड़ता है। इसके अलावा इस्लामाबाद रेलवे एंड एयरपोर्ट से भी वेल कनेक्टेड है। यहाँ का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो कि दुनिया भर के मेजर डेस्टिनेशन से जुड़ा हुआ है। एंड अब बात करते हैं यहाँ के इकॉनमी एंड डेटा के बारे में। तो अगर 2017 की रिपोर्ट देखें तो इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन 1.1 मिलियन की है एंड यहाँ की लिटरेसी रेट 87% की है, जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट नंबर माना जाता है। वहीं 2021 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की टोटल जीडीपी 2.86 बिलियन US डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 1% कंट्रीब्यूट करता है। वाह यार, कितनी ब्यूटीफुल जगह है यार। एंड अब बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़ इंडियन स्टेट पंजाब एंड हरियाणा की राजधानी है, जो कि 114 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ इंडिया की एक यूनियन। चंडीगढ़ तो बड़ा खूबसूरत है यार। ये शहर मेनली ग्रीनरी और यहाँ की खूबसूरत क्लाइमेट्स की वजह से द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1953 में भारतीय पंजाब की नई राजधानी के तौर पर बसाया गया था। बट आज के टाइम पे चंडीगढ़ कई रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल सेक्टर्स में बटा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ का 30% एरिया सिर्फ लेक्स, गार्डन और फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है। यहाँ की ज्यादातर स्ट्रीट्स को यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है। एंड अब बात करते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो चंडीगढ़ में भी आपको सेम इस्लामाबाद से मिलती जुलती सड़कें देखने को मिलेंगी, बस चंडीगढ़ में रोड इंटरचेंज की जगह पे राउंड बोट्स हैं, जो कि गाड़ियों की ट्रैफिक फ्लो को बिना रोके हुए एक से दूसरी दिशा में डाइवर्ट करती है। वहीं यहाँ की सड़कों पर ज़्यादातर CTU की CNG और इलेक्ट्रिक बसें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये शहर रेलवे एंड एयरपोर्ट से भी वेल कनेक्टेड है। यहाँ का शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का 19वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा 2020 में एशिया का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। वाओ यार, अब जान लेते हैं यहाँ की इकोनॉमी एंड डेटा के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ की टोटल पॉपुलेशन 1.6 मिलियन के करीब है एंड यहाँ की लिटरेसी रेट 86.77% की है। वहीं अगर हम 2020 की रिपोर्ट्स देखें तो चंडीगढ़ की टोटल जीडीपी 5.9 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि इंडिया की टोटल इकोनॉमी में 0.215% का कंट्रीब्यूट करता है। जी तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का रिएक्शन इस्लामाबाद वीएस चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का
कैपिटल सिटी है, कितना ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार सिटी है। तो फ्रेंड्स बात अगर की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई खास निज़ाम नहीं है, सिर्फ एक मेट्रो बस सिस्टम जो है ना वही चलती है। मेट्रो बस के अलावा इस्लामाबाद सिटी के अंदर घूमने फिरने के लिए हमें कोई गाड़ी या कोई रिक्शा वगैरह या फिर कोई बस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हमें इस्लामाबाद घूमने फिरने के लिए मुयसर नहीं है, इस तरह की चीज़ वहाँ पर है नहीं है। अगर इस्लामाबाद में फिरना है तो फिर हमें या तो कोई बाइक सर्विस का सहारा लेना पड़ता है या फिर हमें कोई जाती गाड़ी लेके जाना पड़ता है या फिर हमें कोई टैक्सी वगैरह जो है ना उसका इंतजाम करना पड़ता है, तब जाके हम इस्लामाबाद को घूम फिर सकते हैं, वरना हम इस्लामाबाद घूम फिर नहीं सकते। इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा ना तो रश होता है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह रिक्शे वगैरह तो होते नहीं है, अगर रिक्शे वगैरह हो तो फिर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इस्लामाबाद में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ छोटी छोटी कोचें वगैरह जो है वो चलती है, वो मैंने देखी है। एक बार इस्लामाबाद में गया था तो वहाँ पे छोटी छोटी कोचें थी और उसके अलावा ज़्यादातर टैक्सीज वगैरह जो है ना वो ही वहाँ पे, क्योंकि वो एक कैपिटल सिटी है और एक प्लैंड सिटी है, तो वहाँ पे ये जो बसें वगैरह है ना उनको इस्लामाबाद सिटी से दूर ही रखा गया है और वो ऑलमोस्ट जो रावलपिंडी के अंदर अड्डे हैं ना बस वहीं तक जाती हैं फिर वहीं से वापस जाती हैं। इस्लामाबाद सिटी के अंदर एंटर होने के लिए इस तरह की जो बसें हैं ना वो नहीं है। हाँ लेकिन इस्लामाबाद के अंदर कुछ अड्डे हैं ज़रूर, वहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं, वहीं से जो मुसाफिरों को उठाती हैं और बाकी सिटीज़ को लेके जाती हैं। वैसे इस्लामाबाद के अंदर घूमने फिरने के लिए हमें इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। और अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ भी एक इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरत सिटी है। अक्सर औकात चंडीगढ़ को पंजाबी फिल्मों में भी देखा जाता है, बाकी बॉलीवुड फिल्मों में तो नहीं देखा जाता लेकिन पंजाबी फिल्मों में अक्सर चंडीगढ़ को देखा जाता है। और मुझे मालूम नहीं है कि चंडीगढ़ पंजाब में वाक़ है या फिर किसी और स्टेट में वाक़ है, आप में से अगर कोई जानता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स जो चंडीगढ़ सिटी है वो इंतहाई खूबसूरत सिटी है, पंजाबी फिल्मों में हम कॉलेज वगैरह जो है यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है वो हम देखते रहते हैं अक्सर औकात, तो वहाँ पे तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और जो सिटी जो है ना वो दिखाया जाता है वो इंतहाई खूबसूरत दिखाया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो दिखाया गया वो भी एक इंतहाई साफ सुथरा और शानदार सिटी दिखाया गया। मैं और भी कई वीडियोस पर रिएक्शन दे चुका हूँ जिनमें मतलब टॉप 6 क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, उनमें भी जो चंडीगढ़ सिटी है ना वो भी शामिल है, यानी कि इंडिया के साफ सुथरे शहरों में चंडीगढ़ का नाम शामिल है। तो फ्रेंड्स आज का जो रिएक्शन है वो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इस तरह का मजीद इंटरेस्टिंग रिएक्शंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।